स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में हमने अब तक देखा कि अनुपमा घर छोड़कर जा रही होती है, तभी अनुज कहता है, मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हूँ अब। मैंने अगर अपनी बहन को खो दिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर तुमको खो दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसीलिए कल जो मैं फैसला लूंगा बिना सवाल किए हुए, मुझे बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वनराज ऑफिस जा रहा होता है, तभी बापूजी रोकते हैं, लेकिन वनराज कहता है कि आज फैसले का दिन है। आज नहीं बापूजी, मैं नहीं रुकूंगा। आगे हम देखते हैं कि वनराज ऑफिस पहुंचता है और मालविका कहती है कि जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, और अनुज ने सारी चीज़ें मेरे नाम कर दी हैं, सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया है। फिर ये सुनकर वनराज बेहद खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा को ये बात पता चल जाती है और अनुपमा अनुज को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज नहीं मानते हैं। वहीं अनुपमा कहती है कि अगर यही प्रॉपर्टी मालविका के हाथ ना लगकर मिस्टर शाह के हाथ लग गई तो सोचिए क्या होगा। आगे हम देखते हैं कि अनुज है जो यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि मुझे इस काम में तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मालविका जो है अनुज से बात करने जाती है, लेकिन वनराज रोक देता है। ये देखना होगा कि क्या वनराज की बातों में यहाँ पर मालविका आ जाएगी, क्या अनुज और मालविका के बीच की सारे रिश्ते अनुपमा और वनराज की वजह से हो जाएंगे खराब। जानने के लिए देखना ना भूले अनुपमा टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।